बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोग पढ़ रहे हो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये जब भी बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पूछा होगा ना, तो आपसे कहा जाएगा कि एसिडिक मीडिया में करो या बेसिक मीडिया में करो। तो एसिडिक मीडिया में इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, और ये इक्वेशन है क्लोराइड प्लस मैग्नेट इंटू क्लोरीन प्लस मैग्नीज। सबसे पहला स्टेप, आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, और इस तरह लिखो कि जो चार्ज बचा हुआ है वो उतना बच जाए, अल्जेब्रिक सम में उतना चार्ज बचे, जैसे क्लोराइड माइनस वन है। अब मैग्नेट का माइनस वन बचना चाहिए, तो ऑक्सीजन माइनस टू होता है, और चार होंगे माइनस एट, और मैग्नीज होगा प्लस सेवन, तो ये बाकी बचेगा माइनस वन। क्लोरीन चूंकि फ्री स्टेट में है जीरो, और मैग्नीज है प्लस टू, तो वी हैव टू डिसाइड ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए वो ऑक्सीडेशन होती है, और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए वो रिडक्शन होती है। तो आप इसको देखो, माइनस वन से जीरो में गए, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, प्लस सेवन से प्लस टू में गए, ये रिडक्शन हाफ है। तो सबसे पहले बैलेंस एटम्स ऑन बोथ साइड्स, इधर एटम एक है इधर दो है, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो एटम्स की तादाद बराबर होगी। फिर बैलेंस चार्ज ऑन बोथ साइड्स, एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दो क्लोराइड ने दो इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस तरह ये इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस हुए। और फिर रिडक्शन हाफ के अंदर बैलेंस एटम्स ऑन बोथ साइड्स, तो इधर चार ऑक्सीजन है, तो चार ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर हमने फोर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, तो तब आठ हाइड्रोजन बढ़ गए, तो इधर आपने एट हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो एटम्स की तादाद बैलेंस हो गई है। नाउ बैलेंस चार्ज ऑन बोथ साइड, एक मैग्नीज के ऊपर चार्ज प्लस सेवन है, और इधर एक मैग्नीज के ऊपर चार्ज प्लस टू है, इसका मतलब कि इसने पांच इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो पांच इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिए, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। अब गोल्डन रूल कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन गेन के बराबर होते हैं। मतलब ये कैसे हो सकते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन दे और ये पांच इलेक्ट्रॉन दे, तो ये जरूर तादाद बराबर है। तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करो और फाइव के बराबर हो जाए, फिर आप क्या करते हो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन को, तो टेन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये सारी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी टेन इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आप ऐसे ही कर रहे हो, आपने इस पूरी इक्वेशन को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो टेन क्लोराइड हो गए, और ये फाइव क्लोरीन हो गए, और ये टेन इलेक्ट्रॉन हो गए, और इधर आपने पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई किया, सिक्सटीन हाइड्रोजन हो गए, टू मैग्नीज मैग्नेट हो गए, टेन इलेक्ट्रॉन हो गए, टू मैग्नीज और एट वाटर। अब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों को ऐड कर दो, तो ऑक्सीडेशन हाफ है टेन क्लोराइड इंटू फाइव क्लोरीन प्लस टेन इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हाफ है सिक्सटीन हाइड्रोजन प्लस टू मैग्नेट प्लस टेन इलेक्ट्रॉन इंटू मैग्नीज प्लस एट वाटर, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड ओवरऑल 10 क्लोराइड प्लस 16 हाइड्रोजन प्लस 2 मैग्नेट इनटू 5 क्लोरीन प्लस 2 मैग्नीज प्लस 8 वाटर। तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि यहां इक्वेशन बैलेंस ही नहीं थी, मतलब इधर एक एटम था इधर दो थे, तो ये कैसे हो सकते हैं कि एक एटम दो एटम में कन्वर्ट हो जाए। अब आपकी सारी इक्वेशन बैलेंस होगी, आप देख लो 10 क्लोराइड, इधर भी आपके पास 10 क्लोराइड है, इक्वेशन बैलेंस, फिर इधर 16 हाइड्रोजन है, इधर भी 16 हाइड्रोजन है, इक्वेशन बैलेंस, यहां 2 मैग्नीज है इधर भी 2 मैग्नीज, यहां 8 ऑक्सीजन है इधर भी 8 ऑक्सीजन, तो दिस इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम।